उत्तर प्रदेश के मथुरा के गांव शाहपुर में गोबर डालने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष द्वारा घटना की सूचना इलाका पुलिस को दी गई। आरोप है कि पुलिस द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। पुलिस द्वारा कार्यवाही ना किए जाने से नाराज पीड़ित पक्ष पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए, जहां उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग उठाई है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि गांव शाहपुर के नामजद दबंग लोगों द्वारा गोबर फेंकने गई महिला के साथ मारपीट व अभद्रता की गई। बताते चले कि घटना का पीड़ित परिवार द्वारा वीडियो बना लिया गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि क्षेत्र में तैनात दरोगा द्वारा दूसरे पक्ष के लोगों से रुपए लेकर हमलावरों को छोड़ दिया गया। वहीं जब इस घटना का वीडियो स्थानीय पुलिस को दिखाया गया तो पुलिस ने अपना बचाव करते हुए NCR की कार्यवाही कर दी। हालांकि पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही से पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है और इस मामले में कार्यवाही कराने के लिए पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की गई। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। अपनी जगह में मैं गोबर गेरने गई थी अकेली और वो वहीं पे बैठा था। उन्होंने पीछे ताके मेरी कोरिया भले थी करिए मेरी बदतमीजी और उसने थप्पड़ भी मारा, मेरे जांगे भी मारा, आगे पे मारा और उसने मेरे पकड़ पकड़ के खूब जोर से बदतमीजी करी और वो खागा चारों लंगते लग चिपटगा में होते। कौन लोग थे? वो नाना के परिवार, कलाल का छोरा नाना परिवार और उनकी जनानी भी आ गई थी और उनका परिवार सब आ गया था। इतने मैं भाग के गई थी छूट छाट के मेरे थे और इतने फिर मैं हाँ उनके सबरे परिवार ने मारी थी वहाँ पर और मेरे बाल भी उखाड़ लेते, सबरे बाल उखाड़ लिए, यहाँ सबरे सिर में तुम्हें खोपड़ी गई पड़ी है। अच्छा, क्यों मारा था तुम्हें? उन्हें घूरे के ऊपर मारा था। अच्छा। हाँ, घूरे के ऊपर मारा था। अकेली वैसे गई थी मैं, अकेला बैठा हूँ, वो का पता ही अकेला बैठा, वो पकड़ लेगा पीछे तो मेरे ऐसे करेगा मेरे संग में और गंदी नगा से देख रहा मेरे साथ में भी। अच्छा, ये मतलब आपने तहरीर दी थी थाने में? करी थी, सुनाई नहीं करी थी। कुछ सुनाई नहीं करी? हाँ। तो आप क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कोई करो इसके संग में। अच्छा, यहाँ SSP ऑफिस आई हो, क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहती है हाँ हो जाएगी तुम्हारी, अब तक नहीं हुई। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। क्या घटना हुई आपके साथ में? ये गोबर डालने के लिए गई तो उसमें इसे अकेली को परिवार के साथ में नानक पुत्र कल्याण ने इसे पकड़ा और मारा पीटा। अच्छा, ये कौन परिवार ने? ये कौन है? ये मेरे भाई की घरवाली है। अच्छा, क्यों मारा था? एक गोबर के डालती है जी, उसमें ये पहले से ही डालते आ रहे हैं हमारे ये छोटे। अच्छा। घरवाली वो मना करता है कि यहाँ गोबर नहीं डलेगा। तो आप इस संबंध में थाना को अवगत कराए? थाना में NCR दायर किए खानदार साहब ने, उससे हमने संतुष्ट ना होके हम SP साहब के यहाँ भी आए। अच्छा, क्या कहा SSP साहब? SP साहब ने हमारे से तहरीर ले ली और ये बोल दिया कि उसे पकड़ के ले आएगी पुलिस और उसे जेल में दे देगी। किस तरह से मारा था इसे? बहुत बदनीयत से इसे मारा है, इसके गुप्तांग पर लात भी मारी है और इसे लात घूसों से मारा है और पूरे परिवार ने मारा है। अच्छा, जिसकी वीडियो भी है हमारी। 100 मीटर दौड़ के एक इसका बेटा आया है, उसने लास्ट में जाके उसे थोड़ी सी वीडियो हाथ लगी है जो बनाई है। तो पुलिस ने उसको छोड़ दिया? पुलिस ने उसे छोड़ दिया। अच्छा। NCR के पता नहीं कौन सी धारा में उसे छोड़ दिया गया। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हो? ये चाहें जी कि कानूनी कार्रवाई हो और पुलिस गिरफ्तार करे, जेल भी। इसके बाद जी अब ये छूट के गया है, उसके बाद में फिर मारने की धमकी दे रहा है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि साले जान से मिटा दूँगा। अच्छा, आगे हमें बहुत ज़्यादा डर है सर, इसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई की जाए हमें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.